पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी शोएब बशीर ने चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को वह जख्म दिया जिसको देखने के बाद हर एक भारतीय खून के आंसू रो रहा है। यशस्वी जायसवाल हूँ या फिर शुभमन गिल, रजत पाटीदार हो या फिर रविंद्र जडेजा, सभी के ऊपर कहर बनकर टूटे उनके खतरनाक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम सामान्य से स्कोर पर ही ढेर हो गई। लेकिन भारतीय टीम की स्थिति को देख शोएब बशीर की गेंदबाजी पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने खूब मजाक उड़ाया। शोएब बशीर की तारीफ करी तो भारतीय टीम को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा वीडियो किसने क्या कहा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मैच को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खेल के दूसरे दिन की शुरुआत अच्छी रही। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के बाकी के तीनों बल्लेबाजों को लगभग 50 रन के दायरे में समेट कर रख दिया। इंग्लैंड की टीम 353 पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरी सलामी जोड़ी पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई। कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बड़ी ही शानदार साझेदारी बने। दोनों ने करीब 82 रन की साझेदारी बनाई। भारत यहां तक मजबूत स्थिति में था लेकिन शुभमन गिल को 38 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। बल्लेबाजी पर आए पाटीदार 17 रन ही बना पाए थे। उन्हें भी शोएब बशीर ने LBW आउट करके भारत को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि एक छोर यशस्वी जायसवाल ने संभाला हुआ था। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन बल्लेबाजी पर रविंद्र जडेजा को शोएब बशीर ने पॉप के हाथों कैच आउट कर दिया। सिर्फ 12 रन के स्कोर पर भारत ने 4 विकेट 130 रन की स्कोर पर को दिए थे। और उसके बाद सेठ बल्लेबाज जायसवाल को 73 रन के स्कोर पर शोएब बशीर ने बोर्ड मार दिया। भारत की कमर टूट गई थी और उसके बाद सरफराज भी आउट हुए और अश्विन भी 177 पर 7 हो चुके थे। बशीर 4 सबसे बड़े विकेट भारत के खा चुके थे। भारतीय टीम 150 रन से भी ज्यादा पीछे थी। लेकिन शोएब बशीर की गेंदबाजी को देख पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने खूब तारीफ करी तो भारत का मजाक भी उड़ाया। सबसे पहले शोएब अख्तर ने शोएब बशीर की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मूल के इस गेंदबाज ने पूरे विश्व में पाकिस्तान का झंडा गढ़ दिया। पाकिस्तान से हमेशा बेहतर गेंदबाज निकलते रहे हैं और भारत की सरजमीन पर भारतीय बल्लेबाजों को पानी पिलाना कोई आम बात नहीं है। इसलिए कभी भी किसी पाकिस्तान को डो भारत हल्के में ना ले। सभी का घमंड शोएब बशीर ने तोड़ दिया। वहीं शाहिद अफरीदी ने भी भारत की जमकर हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा अपनी सर जमीन पर नाज था लेकिन भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को तो मार सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों को मारना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्हें यकीन हो गया होगा कि शोएब बशीर अपने आप में कितने ज्यादा खास हैं। उन्होंने बड़े से बड़े बल्लेबाज को डो पानी पिला दिया। ऐसे खिलाड़ी को दिल से सलाम करता हूं मैं। इंजमाम उल हक ने भी यहां पर शोएब बशीर की तारीफ करते हुए भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ाया, कहा कि अपनी सर जमीन पर भी भारत की यह हालत है। मुझे लगता है यह टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की झोली में जा रहा है। भारतीय बल्लेबाजों की इतनी औकात नहीं कि वह शोएब बशीर जैसे गेंदबाजों का सामना करे। इस पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज ने हर एक मुसलमान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान दिग्गज ने अपने बयान दिए। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट सेक्शन में बताएं।